हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर फोकस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज अवर क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देयर आर टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर व्हिच इज द राइट वन। द फर्स्ट इज इट हैज ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, and the second one is the alternating season is the chief characteristics of India's climate. आप इन दो statements में से कौन सी correct है? यहाँ पे option में आपके पास only one, only two and both one and two, neither one and neither two. तो right answer मैं आपको बता दूँ, India का tropical monsoon है और alternating season जो है chief characteristics है India की climate की, या detail में हमने पढ़ा हुआ, ठीक है? यहाँ पे खाली MCQs जो है वो आप comment box में भी, जिनको आता तो वो comment box में reply करें। Next question है, which of the following statements are related to the factors affecting the climate data of India? इनमें से कौन से factors हैं जो आपके climate of India को affect करते हैं? आपको statement one दी है, latitude, statement two, distance from the sea. तो आपको बता दूं कि हमने 6 major factors पढ़े हैं, तो आप बताइए ये क्या दो ये factors हैं उन major 6 factors में से? यहाँ पे आपको option में दिया only one, only two, both one and two, neither one and two. तो आपको बता दूं right answer इसमें both one and two है। दोनों फैक्टर्स जो हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को डिसाइड करते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर जो इस एरिया का डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्दर्न फ्रंटियर्स कौन से रेंजेस हैं? हिमालयाज हैं, आपके कोराकोरम है, अरावली है, सतपुरा है। तो आपको बता दूं कि हमारे नॉर्दर्न जो फ्रंटियर्स हैं वो आपके हिमालयाज रेंजेस आ जाते हैं, ठीक है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया। तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? आपको ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट दिया है, डोडाबेटा दिया है, कंचनजुंगा, जॉर्ज एवरेस्ट दिया है। तो आपको बता दूं कंचनजुंगा इज द राइट आंसर। तो हाईएस्ट पॉइंट इंडिया का जो है कंचनजुंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑप्शन में आपके पास है ग्रेट आर्क ऑफ माउंटेन्स कंसिस्टिंग ऑफ द हिमालयस ऑफ नेपाल, हिंदू कुश एंड पटकाई रेंजेस डिफाइन द नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडिया के नॉर्थ सब कॉन्टिनेंट्स को डिफाइन करती है आपके नेपाल, हिमालयस नेपाल के, हिंदू कुश आपको पता ही है, ये मैंने रिवर सिस्टम में बताया हुआ, और पटकाई रेंजेस भी आपको बताया हुआ। तो क्या ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है? स्टेटमेंट दूसरी, माउंटेन्स इन दीज रेंजेस इंक्लूडिंग सम ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट, क्या इनमें वर्ल्ड की टॉलेस्ट जो माउंटेन्स रेंजेस आती है, विच इज एक्ट एज द नेचुरल बैरियर ऑफ कोल्ड पोलर विंड्स को जो प्रोटेक्ट करती है। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा सही है? यहाँ पे ऑप्शन में ऑनली वन है, ऑनली टू है, बोथ वन एंड टू है, और डी पार्ट नाइदर वन एंड नाइदर टू है। तो राइट आंसर यहाँ पे बोथ, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे इसके रिलेटेड करेक्ट हैं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर द, ये आपके हॉटस्पॉट्स बायोडायवर्सिटी के ऊपर आ गए, ठीक है? तो कौन सी जो प्लेस है जम्मू कश्मीर में सैफरन कल्टीवेशन के लिए जो फेमस है? पामपुर, कश्मीर, जम्मू, कठुआ। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा आंसर जो है वो राइट होने वाला, तो आप मार्क करें, ठीक है? तो राइट आंसर आपका जो है पामपुर है। पामपुर में आपका सैफरन कल्टीवेशन जो होती है वो होती है, और आपके किश्तवाड़ में भी होती है, ठीक है? अगर ऑप्शन में, वैसे पामपुर ज्यादातर रहता है, लेकिन इस तरीके के दो क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादा पामपुर में होती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द विंध्या रेंज, ठीक है? विंध्या रेंज के बारे में जो स्टेटमेंट दी है, तो आपने स्टडी करना, ज्योग्राफिकली सेपरेट्स नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम साउदर्न इंडिया, क्या नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के बीच में से सेपरेट करती है? फिजिकल डिवीजन में बहुत डिटेल में करवाया मैंने इस चीज को। द वेस्टर्न एंड ऑफ द रेंज लाइज इन द ईस्टर्न गुजरात, जो वेस्टर्न एंड है इस रेंज का वो गुजरात में लाई करता है, नियर इट्स बॉर्डर विद मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर है, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ऑलमोस्ट मीटिंग द गंगास एट मीरपुर। तो इनमें से कौन सी दो स्टेटमेंट से मैंने कौन सी आपकी करेक्ट वन है, तो आप जो है वो रिप्लाई करें, ठीक है? ऑनली वन, ऑनली टू एंड बोथ वन एंड टू, राइट जो है यहाँ पे आपकी ये वाली है, ठीक है? ये एमसीक्यू तभी सॉल्व करें जब आप लोगों ने जो है वो अच्छे से फिजिकल डिविजन और क्लाइमेट ऑफ इंडिया को पढ़ाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू डेक्कन प्लेट्यू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डेक्कन प्लेट्यू को लेके जो है करेक्ट है, ठीक है? इसको भी हमने पढ़ा अच्छे से। इट इज द लार्ज ट्राइंगुलर प्लेट्यू, ठीक है? बाउंडेड बाय द विंध्या रेंज टू द नॉर्थ एंड फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है? मैप पे समझाया पूरे तरीके से, ठीक है? आई होप कि जिनने पढ़ा है तो अच्छे से करेंगे, आप जिनने नहीं पढ़ा तो यूट्यूब चैनल हमारा, वहां पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और वहां से जो है वो लेक्चर्स डिटेल में देखें एक एक करके।
नेक्स्ट है इट स्लोप्स जेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या इसकी स्लोप जो है वेस्ट टू ईस्ट है, ये भी पढ़ा है, एंड गिव राइज टू द सेवरल पेनिनसुलर रिवर्स आ जाते हैं, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा कावेरी, ठीक है, या आपके महानदी जो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, ठीक है, तो जिन्हें रिवर सिस्टम भी पढ़ा होगा तो वो भी इसका जवाब जो है वो करेक्टली दे पाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन जो है ऑनली वन है, ऑप्शन ए में ऑनली टू, ऑनली सी आपका वो वन एंड टू, और डी आपका जो है नाइदर वन एंड नाइदर टू। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में, तो इसको आंसर मैं बता देता हूँ, बोथ वन एंड टू जो है राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द छोटा नागपुर, छोटा नागपुर रिलेटेड यहाँ पे दी हुई है स्टेटमेंट, कौन सी इनमें से करेक्ट है। देखो स्टेटमेंट से आपको फायदा क्या होता है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाता है, ठीक है, और उससे आप और भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इट इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न इंडिया कवरिंग मच ऑफ झारखंड एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, कहाँ पर है, और ये दिया हो कि कहाँ कहाँ तक इसका फैला हुआ है, ये आपने बताना कि है या नहीं है। तो इसमें नेचुरल वेजिटेशन इज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इज ज्यूरिक स्क्रब पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न थॉर्न स्क्रब, ये यहाँ पे देखो इस तरह की यहाँ पे जो है जो वेजिटेशन होती है नहीं होती है, आपने बताना है या नहीं है। तो आपको स्टेटमेंट्स नीचे दी हुई है, ऑनली वन ऑनली टू बोथ वन एंड टू, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सी करेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे बोथ वन एंड टू जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द सतपुरा रेंज, इनमें से कौन सी है जो सतपुरा रेंज के रिलेटेड है, ठीक है, ऑप्शन में आपके पास इट बिगिंस इन ईस्टर्न गुजरात से शुरू होती है नियर अरेबियन सी कोस्ट एंड रन्स ईस्ट अक्रॉस द महाराष्ट्र के जो है वो महाराष्ट्र तक जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है एंड आपके छत्तीसगढ़ तक जाती है, ठीक है, ये आपने बताना सही है या गलत है। नेक्स्ट है आपके इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, ये ट्राइंगुलर शेप है और इट्स अपेक्स जो है रत्नापुरी है, ठीक है, एंड द टू साइड्स बीइंग पैरेलल टू द ताप्ती एंड नर्मदा, जो इसकी दो साइड्स हैं पैरेलल्स जो है वो चलती हैं आपके नर्मदा और ताप्ती के, तो कौन सी करेक्ट वन है, आपने बताना ऑनली वन ऑनली टू और ऑनली बोथ वन एंड टू, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, बोथ वन एंड टू और नदर वन एंड नदर टू, तो ये स्टेटमेंट आपके दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, लगभग स्टेटमेंट दोनों करेक्ट ही हैं, ठीक है, सॉल्व भी करना बहुत सारी नहीं भी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर रिलेटेड टू अरावली रेंजेस, अरावली रेंजेस के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया रनिंग अक्रॉस द राजस्थान फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक्सटेंडिंग अप्रॉक्सिमेटली 800 किलोमीटर, आपने बताना कि ये एक्सटेंशन इसकी दी हुई कहाँ से कहाँ तक है, क्या ये करेक्ट है। नॉर्दर्न एंड ऑफ द रेंज कंटिन्यूज एज आइसोलेटेड हिल्स एंड रॉकी रिजेस हैं इसमें, हरियाणा में एंड करता दिल्ली में, क्या ये स्टेटमेंट इसके रिलेटेड करेक्ट है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ऑनली वन ऑनली टू बोथ वन एंड टू नाइदर वन एंड नाइदर टू, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सी जो है वो करेक्ट है। अभी मुझे पता बहुत सारे लोग क्या टिक मारेंगे, आपको बता दूं ऑनली टू जो है स्टेटमेंट इसकी ऑनली वन जो है वो गलत है, ठीक है, इसमें बी पार्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द वेस्टर्न घाट्स आर सह्याद्री, इनमें से कौन सी जो है करेक्ट है आपके वेस्टर्न घाट सह्याद्री माउंटेन्स के लिए। इट रन्स अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ द इंडियाज डेक्कन प्लेटू एंड सेपरेट इट फ्रॉम नैरो कोस्टल प्लेन्स अलोंग द अरेबियन सी, ठीक है, क्या कहता है, वेस्टर्न एज ऑफ इंडिया डेक्कन प्लेटू से सेपरेट होता और नैरो कोस्टल प्लेन्स के साथ चलते हुए आपके अरेबियन सी तक फैला हुआ, तो क्या ये ठीक है। या दूसरा द रेंज रन्स अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ द ताप्ती से लेके 16 किलोमीटर नियर गुजरात तक महाराष्ट्र, ये बताया कि यहाँ तक इसका फैला हुआ है, ये पूरी स्टेट्स दिए तमिलनाडु साउथर्न टिप ऑफ द डेक्कन प्लेटू पेनिनसुला तक, इनमें से कौन सी आपकी करेक्ट होने वाली है आप जो है वो बताएं। तो इसमें आपके पास दिया हुआ है ऑनली वन ऑनली टू ऑनली बोथ वन एंड टू वन और ये, और करेक्ट आंसर आपके पास बोथ वन एंड टू जो है वो करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द ईस्टर्न घाट, इनके इसमें ईस्टर्न घाट्स के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, तो वो आपने बताना। तो यहाँ पे इट इज डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ द माउंटेन विच हैव बीन इरोडेड एंड, यहाँ पे क्या डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं, ठीक है, बिसेक्टेड बाय द फोर रिवर्स जो है इनको बाइसेक्ट करने वाले रिवर ऐसे कट कर रहे हैं आके, ठीक है, बाइसेक्ट्स हैं, रिवर्स के नाम भी दिए हैं। सेकंड नंबर नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु लाइज एट द जंक्शन ऑफ द, नीलगिरी हिल्स है वो जंक्शन बनाता किस किसके बीच में, ईस्टर्न वाली साइड और वेस्टर्न के बीच में, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स मैं आपको बता दूं सही है, बोथ वन एंड टू जो है करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू
द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में जो है ये कौन सा वाला जो है वो करेक्ट है, इट रन पैरेलल टू द हिमालयस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू आसाम इन ईस्ट, ठीक है बताया हुआ कि जम्मू कश्मीर में इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट, ठीक है ड्रेन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया, तो क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द जो नॉर्दर्न से वो ईस्टर्न इंडिया में, क्या ये सही है। सेकंड क्या देते हैं, द मेजर रिवर्स इन दिस रीजन्स आर द गंगाज इंदस ब्रह्मपुत्र अलोंग विद देयर मेन ट्रिब्यूटरीज यमुना चंबल वगैरह सारे, क्या ये इसमें आ जाते हैं, इनके इनके रिलेटेड आपकी कौन इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है ऑनली वन है ऑनली टू बोथ वन एंड टू, मैं आपको बता दूं दोनों स्टेटमेंट इसकी ट्रू है, ठीक है जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द थार डेजर्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है थार डेजर्ट के रिलेटेड जो है वो ज्यादा जो थार जो एग्जैक्ट है करेक्ट है, द डेजर्ट कंट्रीज इन पाकिस्तान एज द चलुस्तान डेजर्ट, ठीक है ये पाकिस्तान तक है और कहां तक है यहाँ पे चलुस्तान डेजर्ट तक, ठीक है द मोस्ट ऑफ थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन राजस्थान कवरिंग इतने परसेंट ज्योग्राफिक एरिया, कि जो मोस्ट ऑफ थार डेजर्ट राजस्थान में इसने इतना जो कवर किया हुआ ज्योग्राफिक एरिया का, आपके अकॉर्डिंगली कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है आप बताएं। देखो 61% भी ठीक है और इसका एक्सटेंशन पाकिस्तान तक भी है, तो बोथ वन एंड टू जो है इसकी दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो इनमें से कौन सी जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के रिलेटेड करेक्ट है, वन दिया इट इज द वाइड स्ट्रिच ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द ओशनिक बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है स्ट्रिच कहां से कर ली आपके बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड द ओशनिक जो बाउंड्री है इंडिया की, ठीक है ईस्टर्न वाली साइड स्ट्रेच फ्रॉम तमिलनाडु से लेके टू द साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल तक, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। दूसरी स्टेटमेंट द रीजन रिसीव बोथ द नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे दोनों नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो है मानसून रिसीव होते हैं, क्या ये दोनों इसके रिलेटेड है, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा जो है वो करेक्ट होने वाला, ओनली वन और ऑनली वन ऑनली टू एंड बोथ वन एंड टू, तो कौन सा करेक्ट वाला आप मुझे बताएं, दोनों स्टेटमेंट जो है इसके रिलेटेड जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द वाटर प्रोजेक्ट एंड डैम, वाटर प्रोजेक्ट और डैम डैम के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, रंजीत डैम जो है ब्यास के ऊपर बना है और हीराकुंड डैम जो है आपका कहां पर बना, रिवर दामोदर के ऊपर बना, और तीसरी स्टेटमेंट क्या, द रिजर्वियर गांधी सागर इज ऑन द रिवर चंबल के ऊपर बना, तो इन तीन स्टेटमेंट से में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके अकॉर्डिंगली है जो आपको लगता है करेक्ट है, ठीक है ऑप्शन आपके सामने है बोथ वन एंड टू ऑनली थ्री बोथ वन एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड बोथ वन एंड थर्ड, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सी इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑनली थ्री स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है यहाँ पे तो रिजर्वियर गांधी और जो है वो चंबल रिवर पे बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन के रिलेटेड कौन सी जो है इम्पोर्टेंट जो है रिलेट करती है, तो वो आप मैं बता दूं आपको, द कोल्ड वेदर सीजन स्टार्ट इन अक्टूबर, क्या कहता है कोल्ड वेदर सीजन जो है अक्टूबर में स्टार्ट होता है। दूसरी स्टेटमेंट, स्टेट लाइक पंजाब हरियाणा राजस्थान बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग, ये स्टेट है जो है वो सी इन्फ्लुएंस से दूर है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट मैंने बताया था आपको, जैसे स्टेट दूर होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, तो या दूर है तो इन दोनों में से क्या ये क्या पंजाब हरियाणा वगैरह क्या ये समुद्र के इन्फ्लुएंस से दूर है, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन है ऑनली वन ऑनली टू बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन नाइदर टू, तो कौन सा करेक्ट है, सेकेंड जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है कोल्ड वेदर आपके अक्टूबर में ही सीजन शुरू नहीं होता, ठीक है पढ़ाया आप क्लाइमेट एंड क्रॉप्स में, ठीक है। तो ये आपके ये थे क्वेश्चंस, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ आया है या आपको एक्सप्लेनेशन इससे भी ज्यादा चाहिए या टाइम कम चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।